वन विभाग ने बनोरी महादेव मंदिर चतारा में पौधारोपण किया। इस मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों व अन्य लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए व हरियाली का संदेश दिया गया। डीएफओ सुशील राणा ने लोगों को बरसात में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। हरियाली से ही पर्यावरण का संरक्षण होगा। बनोड़े महादेव मंदिर टेंपल ट्रस्ट ने एक पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें चताड़ा गांव के लोग और वन विभाग के हमारे कर्मचारी हम शामिल हुए थे। 100 पौधे उन्होंने लगाए हैं वहां पे रोड साइड पे, जो बनोड़े महादेव को मंदिर जाता है दोनों साइड पे उन्होंने पौधारोपण किया गया है और 100 पौधे लगाए गए हैं। पौधों को वहाँ पर ग्रेजिंग का काफ़ी इम्पैक्ट है, तो पौधों को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री गार्ड का भी वो बनोड़े महादेव टेंपल ट्रस्ट जो है वो इसका प्रावधान कर रही है ताकि उनके प्रोटेक्शन हो सके। इसके साथ साथ मैं उन ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया है, एक छोटे हाथी के ऊपर उन्होंने एक पानी की टंकी रखी हुई है ताकि पौधों की वाटरिंग प्रॉपरली हो सके। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का जो अभियान चला है लोगों में भी अच्छी एक मैसेज जाएगा और ये सारे पौधे जो लगाए हैं ये अच्छे तरीके से सर्वाइव करें। इसके साथ साथ मैं पूरे ज़िले के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू है, तो अपने एरिया में सभी जगह बढ़ चढ़ के इसमें योगदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए हमारे साथ आएँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।